राहुल गांधी कोई बड़ा नेता नहीं, 500 का नोट देते खुला खड़ा नहीं ला पाएगा राहुल गांधी। आपको नहीं लगता कि उस पर बोलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, आपको पता ही नहीं भाई साहब? नरेंद्र मोदी एक नेव है, जो होते हैं जो आप घर बनाते हैं, जो नेव बनाते हैं ना, वो नेव बना दिया है। ये आपकी गलती है, सरकार की गलती नहीं है। सरकार आपके साथ साथ एक आदमी को पुलिस नहीं देगा? आपको आपकी छुरी पहन रखे हो क्या, जो मार खा के आते हो आप? इसके पुलिस पे नहीं भरोसा करना चाहिए? पुलिस पे तो भरोसा है ही नहीं भाई साहब। आप पैसे दोगे तो पुलिस आपकी, हम पैसे देंगे तो पुलिस हमारी। भाई साहब सही कह रहे हैं। ये लग नहीं रहा, आ गया मोदी सरकार, आ गई दोबारा लौट करके आ गई। ये किसने कह दिया कि लग रहा? लग नहीं रहा, आ गई। लेकिन आपने जो मेवात और मणिपुर पे जिस तरीके से चुप रहे प्रधानमंत्री मोदी, आपको नहीं लगता कि उस पर बोलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, आपको पता ही नहीं भाई साहब? अब क्या पत्रकार करते हो भाई साहब, मेरे को समझने राहुल गांधी पीछे पीछे घूमोगे? मैं इस्तीफा इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। नहीं, आप कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आप मैक ले लो उसके पास घूम रहे हो क्या? फिर क्या पत्रकार हो भाई यार? भाई देश की दिखाओ, राहुल गांधी की मत दिखाओ। राहुल गांधी कोई बड़ा नेता नहीं, 500 का नोट देते खुला खड़ा नहीं ला पाएगा राहुल गांधी। आपके लिए बड़े नेता है, समझ गए? राहुल गांधी जाना जाते हैं अपने पूर्वजों के वजह से, अरविंद केजरीवाल जाना दिल्ली के मूर्खों की वजह से, समझ गए? राहुल गांधी की देश के लिए योगदान क्या है? क्या योगदान है देश में? क्या काम किया राहुल गांधी? 5 काम गिना दो, मैं मोदी के 10 काम गिना देता हूँ। वो तो पूरा अपने पीढ़ियों का ही गिना देते हैं कि हमारे पूरे देश को उन्होंने पूरा दिया, पूरे परिवार ही समर्पण। एक सेकंड, आपका आपकी बाप प्रधानमंत्री बने तो आप भी बन जाओगे क्या? बाप वाला वो होना चाहिए गुण, तभी प्रधानमंत्री बनोगे, तभी बनोगे ना भाई साहब? अब हम बिहार से पैदल आए तो हमको प्रधानमंत्री को बना देगा क्या? नहीं, हमारे पास कुछ होगा तभी बनेगा प्रधानमंत्री भाई, तभी बनेगा। हमारे पास कुछ होगा तभी तो बनेगा जनता। हम भी बिहार से पैदल आए, कोई बनाते प्रधानमंत्री है, समझ गए भाई? क्या नाम है? नीतीश कुमार। ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को चुनना चाहिए 2024 में, आपको क्या लगता है कि इंडिया डेफिनेटली चुनना चाहिए? हर एक एंगल से देखिए, आप किसी भी एंगल से देखिए, क्यों नहीं चुनना चाहिए बताइए ना? नरेंद्र मोदी एक नेव है, जो होते हैं जो आप घर बनाते हैं, जो नेव बनाते हैं ना, वो नेव बना दिया है। अगर जो घर बनाते हैं कितने बनाते हैं, 20 साल 30 साल 40 50 60 साल के लिए, तो 2-4 साल में कहने से कोई पार्टी टूनल नहीं है, बस वो नाम ही ब्रांड है ना, मोदी एक ब्रांड है। आप मोदी के खिलाफ जो भी है, जैसे राहुल गांधी हैं, और उनको संसदीय क्षेत्र अपना जीतना हो तो अपने संसदीय क्षेत्र उठना पड़ेगा, लेकिन अदर जगह जीतने के लिए उनका कोई उनका रुतबा नहीं है। लेकिन मोदी के नाम से आप ऑल इंडिया कहीं से भी कोई भी क्षेत्र से हो, किसी को भी उठा दीजिए, एक आम आदमी को उठा दीजिएगा, वो भी जीत जाएगा। तो फिर मोदी प्रधानमंत्री कैसे राहुल का सपना देख रहे हैं? लगता है कि देश जो है सुरक्षित है मोदी राज में, क्योंकि मेवात जैसी घटनाएं होती जहां पे हिंदुओं को मारा जाता है, मणिपुर में हिंसा होती वहां पर वो होती। आप अगर जाट बनकर लड़ोगे, जाधव बनकर लड़ोगे तो मार खाओगे खाओगे, अगर हिंदू बनकर जिस दिन लड़ना सीख जाओगे उस दिन मार खाना भूल जाओगे आप, समझ गए ना? आप जाधव बनकर लड़ोगे, ब्राह्मण बनकर लड़ोगे तो मार खाओगे खाओगे, हिंदू बनकर जिस दिन लड़ना शुरू करोगे तो मार को ही आओगे। ये आपकी गलती है, सरकार की गलती नहीं है। सरकार आपके साथ साथ एक आदमी को पुलिस नहीं देगा? आपको आपकी छुरी पहन रखे हो क्या, जो मार खा के आते हो आप? मार करके भी आना चाहिए आपको, समझ गए ना? आप ज्यादा बन के ब्राह्मण बन के लड़ोगे तो मार खाओगे खाओगे, हिंदू बन के लड़ोगे तो मार करके आओगे, वो आपकी गलती है। आपको लगता है ये हिंदुओं की गलती है कि देश के पुलिस पे नहीं भरोसा करना चाहिए? मतलब पुलिस पे तो भरोसा ही नहीं भाई साहब। आप पैसे दोगे तो पुलिस आपकी, हम पैसे देंगे तो पुलिस हमारी। भाई साहब सही कह रहे हैं, जब तक हिंदू एक साथ संगठित नहीं होगा ना, तो हिंदू ऐसे पिटता रहेगा देश को। गांधी जी ने भाई साहब, गांधी जी ने क्या बोला था? एक गाले मारेगा दूसरा बढ़ा देना, ये समय खत्म हो गया बढ़ाने का। आप बढ़ाने एक मारे, आप दो मारने की क्षमता रखो तभी आप आगे बस। ये जितनी मेवात वाले ना, ये पाकिस्तान जा रहे थे, गांधी जी ने इनको रोक के रखा यहाँ पे। क्यों रखा भाई? जब पाकिस्तान जा रहे थे, ये गांधी जी ने क्या बोला? जो गलती करे उसको पाकिस्तान में भेज सकते, जो गलती करे उसको मार नहीं सकते, उसको पालो। आज हम पाले, हमको डस रहे हैं भाई साहब। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या लगता है रोजगार के मामले में मोदी सरकार फेल रही है या पास रही है? रोजगार क्यों नहीं है? जो बेरोजगार है, जो बोल रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, खुद के लायक नहीं है। रोजगार के लिए आप किस फील्ड में जाएंगे? रोजगार हर जगह है, हाँ आबादी है तो रोजगार की थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन आप रोजगार तो है, किस फील्ड में रोजगार नहीं बताइए? रोजगार कोई मोदी घर आकर थोड़ा देंगे, आप स्टॉल की जगह रोजगार है। अब बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंदर आर्य है, मेरठ उत्तर प्रदेश। बताइए कि 2024 में कौन लग रहा है, कौन आना चाहिए तो आपके? भैया ये लग नहीं रहा, आ गया मोदी सरकार, आ गई दोबारा लौट करके आ गई। ये किसने कह दिया कि लग रहा? लग नहीं रहा, आ गई। 29 की तैयारी है। लेकिन क्यों ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है सबसे ज्यादा? भैया विकास, सुरक्षा, एजुकेशन, रोड, बिजली, पानी, क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया है यहाँ, किस चीज की कमी है बोलो?
ये नहीं लगता कि मोदी सरकार जो है कई मामलों में फेल रही है, रोजगार के मामलों को ले ले या फिर जो है रोजगार उन हरामखोरों के खत्म हुए हैं जो उनसे देश के गद्दार थे, जिनके सरहद के उस पार के रोजगार थे उनके बंद हुए हैं, परेशान हुए हरामखोर हैं, जो मेहनत से खान कमाने वाला देश की सेवा करने वाला वो परेशान नहीं है। और रही दंगों की बात, दंगों के जिम्मेदार विपक्ष है, विपक्ष करा रहा है, 70 साल से विपक्ष है, बीज बोए हैं। और मैं तो हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूँ, हरियाणा की जनता को कहना चाहता, क्या कर रही है सरकार, तो कार्रवाई भी नहीं कर रही, सरकार की कमी है वहाँ, सरकार को खुल के आना चाहिए, उन पर एक्शन लेना चाहिए, बुलडोजर वो हमारा यूपी वाला मॉडल प्रयोग करना चाहिए, चालू करना चाहिए, ऐसे कैंसरों को, जनता के कैंसरों को निकाल के सालों में बुलडोजर चला दो, कर दो बेघर, ला दो रोड पे।